नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक आपट, गुड आफ्टरनून। हम लोग केरी में ही हैं, नॉर्थ गोवा का ये केरी विलेज, पास में केरी बीच है जो कि नॉर्थ गोवा का लास्ट बीच है। यहाँ हम लोग एक दो दिन और रहने वाले हैं। अभी हम लोग कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। केरी बीच तो हम लोग जाते रहते हैं, कल शाम को भी गए थे, हालांकि वीडियो नहीं बनाया था हम लोगों ने। अभी जाते हैं माड्रेम साइड में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन बारिश हो रही है तो वेट कर रहे हैं। इतना ही हो उधर भी तो हम लोग नहीं भीगेंगे, जाके देखते हैं। और दिक्कत ये है, नीचे हम लोग बार बार नहीं जाते हैं क्योंकि एक डॉगी है ना यार, बहुत क्या बताऊँ, वो डॉगी होगा तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये धान की खेती देख के तो लगता है मैं छत्तीसगढ़ में ही हूँ। गोवा भी घूम रहे हैं और अपना घर जैसा फील भी हो रहा है। देख भाई कुत्ता है कि नहीं है। ये कुआं से पानी जाता है ऊपर नहाने वगैरह के लिए, से तो उधर स्प्रिंग वाटर ही लेके आते हैं, पहाड़ों का पानी हम लोग नहीं लेके आए हैं अभी तक। अरे इधर भी भाजी हुआ कोलियार भाजी। हाँ। ये देखिए दोस्तों कोलियार भाजी हमारे छत्तीसगढ़ में तो बहुत फेमस है, इधर भी लोग खाते हैं। हाँ कहाँ के चाबी रे? जय भोलेनाथ। हम लोग भैया के दुकान पे जा रहे हैं दोस्तों, जहाँ से हम लोगों ने स्कूटी रेंट पे लिया हुआ है। हेलमेट चेंज करना है यार हम लोगों को, ये हेलमेट सही नहीं है जो हम लोगों के पास है। ये बच्चे लोग ये पुराना हेलमेट लेके जा रहे हैं जो हम लोगों के पास था, और एक नया तो नहीं लेकिन हमारे लिए नया देखे गए हैं। अब सत्या भाई तैयार हैं। ये देखिए दोस्तों ये पुल बना हुआ है, हम लोग इधर से वापस ही आ जाएंगे। वैसे ये वही टेरेकोल रिवर है जो कल हम लोग फेरी से पार होकर उस पार गए थे, इधर में पुल से जोड़ती है गोवा और महाराष्ट्र को। ये बीच में एक आइलैंड है दोस्तों। आज वीडियो का कलर सही नहीं आ रहा है मौसम की वजह से, या फिर आ रहा है आप लोग बताओ। हम लोगों को तो जाना है उधर, वो आगे से लेफ्ट एरम्बोल जाना है हम लोगों को। एरम्बोल में पहले हम लोग पेट्रोल डलवाएंगे स्कूटी में, उसके बाद माड्रेम जाएंगे। अभी दो चार दिन टाइम है हम लोगों को उधर बागा के साइड में जाने में दोस्तों। थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं उधर, फिर वापस आ जाएंगे आगे से, आगे कैसा है। ये दोस्तों आगे से महाराष्ट्र बॉर्डर लग जाता है, उधर बैरियर लगा हुआ है। इधर से भी आप टेरेकोल फोर्ट जा सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि कल तो गए हुए थे। हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, बस यही देखना था। वास्तव में मुझे जानना था कि इधर से जाने पर क्या है, अगर पुल बनी हुई है तो फेरी क्यों चलता है, वो भी गवर्नमेंट का, ये मुझे कन्फर्म करना था। तो गोवा के लिए स्पेशल है वो, क्योंकि उधर बस्ती है ना, तो वहाँ के गोवा के लोकल लोगों के लिए। ये पहुँच गए हम लोग पेट्रोल पंप। देखिए गोवा में कितना रुपए लीटर है पेट्रोल, 99.69। हाँ 200 डलो अभी। हाँ हाँ ये हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों माड्रेम बीच के पास में। इधर से एंट्री ले रहे हैं हम लोग। वाह भाई, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये पुल पूरी तरह से बेंबू और लकड़ी से बना हुआ, और आगे ये खूबसूरत सा माड्रेम बीच। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर मत हटा तुम। समंदर और आसमान पूरा मिला हुआ दिखता है दोस्तों। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं पेनम टाउन, जो कि गोवा के पेनम सब डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल है। और जो हम लोग रुके हुए हैं केरी, वो पेनम सब डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट। तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है। अभी हम लोग माड्रेम विलेज में हैं, माड्रेम बीच से आ गए हैं, और मौसम का बस थोड़ा सा टेंशन है कि अचानक बारिश ना हो। रेनकोट हम लोग लेके आए नहीं। सरकारी प्राथमिक विद्यालय इधर है, चलो देखते हैं सत्या भाई इधर सरकारी स्कूल कैसा होता है। ये देखिए दोस्तों एक छोटा सा प्राथमिक शाला।
दोस्तों माडरेम से पेरनेम जाने के रास्ते में, पूरे रास्ते में रोड के किनारे किनारे काजू के पेड़ देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि ये बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, ये भी काजू का पेड़ है। यार इधर काजू बहुत होता है लेकिन अभी काजू फलने का सीजन नहीं है, पूरा काजू ही काजू भाई। और रोड पूरा शांत है, बस बीच बीच में एक दो गाड़ियां देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि एक स्कूटी अभी पार हो रही है। छोटे से स्कूटी में बड़े से अंकल जी जा रहे हैं। काजू के बगीचे, बहुत सारे पेड़ तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी हैं लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही। और इसलिए यहाँ पर काजू से शराब बनाया जाता है, काजू फैनी बोलते हैं जिसको। इधर फॉरेस्ट से होकर आए हम लोग दोस्तों, और इधर स्टेट जाना है हम लोगों को पेनम के लिए। भैया पेनम पहुंच गए ना? बस यही आना था। पहुंच गया दोस्तों हम लोग पेरनेम सिटी, पेरनेम भी बोलते हैं, पेड़ने भी बोलते हैं ना भैया, पेड़ने। दोस्तों मैं गोवा को गोवा में आने के बाद ही अच्छे से जान समझ पा रहा हूँ। वास्तव में गोवा में दो जिले हैं, नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा, और ये जो पेरनेम है एक तालुका है। टोटल गोवा में लगभग 11 तालुका है, अगर कोई नया बन गया होगा तो मैं नहीं बोल सकता, 11 हैं। नॉर्थ गोवा में 5 और साउथ गोवा में 6 एक है ना भैया, 12 होगा अभी, 12 हो गया ना, 12वां कौन सा बना? यहाँ एक काफी पुराना इमारत दिख रहा है, हम लोग पूछते हैं इसके बारे में। दादा ये कौन सा इमारत है, ये पुराना सा, ये क्या है यहाँ पे? हाँ ये वो वाला मंदिर है। अच्छा उसको दर्शन कर सकते जाके उधर से? राइट ले बोरे, गाड़ी आते गोवा पुलिस के। ये हमारी जशपुर की तरह है दोस्तों ये सिटी। सच में मुझे जशपुर की याद आ रही है, हमारे छत्तीसगढ़ का सुंदर जिला नॉर्थ ईस्ट छत्तीसगढ़ में बसा हुआ जशपुर। ये पेरनेम एकदम नॉर्थ में दोस्तों गोवा के। यहाँ एक घड़ी है, शायद इसको घड़ी चौक बोलते होंगे। ये देखिए दोस्तों हिंदी में पेड़ने लिखाता है और इंग्लिश में पेरनेम। ये पेरनेम की बस स्टैंड है, जाके देखते हैं भाई कैसा है। अभी तो बस एक दो ही बस खड़ी है, एक ही, 4:50 हो रहे हैं और हम लोगों को वापस जाना भी है। लगभग हम लोग 25 किलोमीटर आए हुए हैं, शायद ज़्यादा। लेफ्ट 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 लेफ्ट, ये मंदिर देखिए दोस्तों, काफी पुराना ये मंदिर है। ये प्रसाद पहले आप लोग ग्रहण करिए दोस्तों ऑनलाइन, उसके बाद सत्य भाई और मैं। जय रवलनाथ। दोस्तों ये जो रवलनाथ भगवान जी हैं, ये शंकर भगवान के ही एक रूप हैं। आने वाला 15 अक्टूबर में पेरनेची पूनो होने वाला है यहाँ पे, एक बहुत ही खास वो पूजा, वो फेस्टिवल होता है यहाँ पे, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 15 तारीख तक तो हम लोग रहेंगे नहीं, नहीं तो जरूर हम लोग यहाँ पर शामिल होते हैं। चाबी मेरे पास नहीं है, आए थे स्कूटी से, अभी जा रहे हैं ट्रक में दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं केरी में। मजाक कर रहा हूँ यार, एक भैया जी का ये है, गाड़ी लेके जा रहा हूँ उनका। वो कौन ड्रिंक लेते हैं बता दीजिए। स्कूटी हम लोग उधर खड़ी किए हैं यार, तो चलिए चलते हैं पटाख से। वहाँ पर शाम तो हो ही गई है, हम लोगों को अभी मोरजिम जाना है, केरी जाना है। मोरजिम होते हुए जाएंगे या फिर कैसा, एक बार मैप में देखना पड़ेगा। पेरनेम होते ही जाना पड़ेगा। हाँ भाई पेरनेम में तो हैं। इधर मार्केट है, मार्केट वो तो मेन रोड जोड़ेगा, बस आगे से खत्म है पेरनेम।
ये पेरनेम सब डिस्ट्रिक्ट गोवा का लास्ट है दोस्तों, उसके बाद महाराष्ट्र। यहाँ काफ़ी पुरानी पुरानी इमारतें हैं दोस्तों इस टाउन में। जो भी गवर्नमेंट के ऑफिस वगैरह हैं दोस्तों सब इधर हैं, अभी तो बंद होने का टाइम हो गया। गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स, नीचे से लेके आना इधर से ना, ये रोड वहीं जोड़ेगा जहाँ से हम लोग आए थे ना। ये एक और खूबसूरत बड़ा सा मंदिर, हो गया भाई पेरनेम हम लोगों ने घूम लिया पूरा का पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत राउंड करके सीधा सीधा इधर से ही आए हैं दोस्तों। मोरजिम अभी नहीं जाएंगे यार, काफ़ी लेट हो जाएगा वरना, अभी सीधा एरम्बोल जाते हैं और फिर कल उधर निकलेंगे मोरजिम तरफ के लिए वेगेटर वगैरह। सत्य भाई को बहुत दिनों से पानी पूरी खाने का मन था, आज फाइनली मिल गया। ये 34-1 ना, दही पूरी वो 40। अच्छा, पानी पूरी सेव पूरी 30 का एक प्लेट। क्या खाएगा? पानी पूरी खाऊंगा मैं। सुन तू पानी पूरी खा, मैं ये सेव पूरी खाता हूँ, फिर मैं तेरे ले लूँगा, तू मेरे ले लेना, ट्राई हो जाएगा अलग अलग। तीन चार दिन पहले से सत्य भाई बोल रहे कि पानी पूरी खाने का है लेकिन मिल नहीं रहा था यार हम लोगों को कहीं गोवा में। शाम टाइम में मिलता है बीच किनारे कहीं कहीं पे। ये हमारे सुरजीत भाई बनाते हैं ना बटाटा, वैसा लग रहा है देखने में ना, ले लूँगा वाले। इधर दूर में एक व्हाइट कलर का बिल्डिंग दिख रहा है दोस्तों, ये एक दवाई की कंपनी है, यहाँ पर दवाई बनाया जाता है। इस प्लेस का नाम क्या बताया आपने? टुए, टुए। टुए? हाँ भाई। अच्छा, पेनम में आता है ना, बड़ा है। ओ, ड्राइवर है। आप यहाँ के लोकल हो गोवा के ना? महाराष्ट्र कर्नाटक का। ओ, ये भाई भी मुझे ज्वाइन किए, क्या नाम है आपका? भाई अलग से कुछ खा रहा था हम लोग के साथ, उसने ज्वाइन नहीं किया, उसको मिर्ची नहीं खाना था इस वजह से। हम लोग जाना चाह रहे थे उधर, एक व्हाइट कलर का बड़ा सा बिल्डिंग है उधर। एक भाई जी हैं, क्या नाम बताया भाई आपने? प्रमोद। प्रमोद है, जो कि कर्नाटक से हैं। तो हम लोग उधर जाने वाले हैं लेकिन अभी परमिशन नहीं मिलेगा वहाँ जो दवाई कंपनी है जहाँ दवाई बनता है, लेकिन बाहर बाहर से देख के आ जाए। ठीक है, मिलते हैं, आप आओ छत्तीसगढ़ कभी। ठीक है वहाँ गोकर्णा ब्रिज, गोकर्णा ब्रिज है और बड़ा 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 बड़ा। मेरा तो दोस्त है उधर कर्नाटक में, विलेज में है, सिटी में है, अलग अलग टूर करते रहते दोस्त यार, जैसे आप दोस्त बन गए वैसे दोस्त बनते रहते। ये देखिए दोस्तों गोवा एंटीबायोटिक्स, यहाँ पे दवाई बनता है, सिरप बनता है यहाँ पे। इधर में टोटल 4 दवाई की कंपनी है, उसमें से दूर से जो मैंने दिखाया था व्हाइट कलर का बड़ा बिल्डिंग उधर और 2 उधर है, लेकिन अभी परमिशन नहीं मिलेगा दोस्तों जाने का। ये दोस्तों हेलमेट में कैसा लग रहा हूँ मैं। कैरी पहुँच गए हैं, ये एटीएम से कुछ पैसे निकाल रहा था, कैश में ख़त्म हो गया है मेरे पास, अंकल जी को भी देना है। यहाँ प्याज वगैरह कुछ कुछ ले रहे हैं अभी हम लोग, प्याज जो है थोड़ा बचा है लेकिन मॉर्निंग के लिए, जीरा कुछ कुछ घर का सामान। घर का सामान यहाँ बगल में है, ये दुकान है और उसके पीछे हम लोगों का रोड नहीं दिखेगा। आज सब्जी आएगा बोल रहे थे आप? नहीं आज वो नहीं, पता नहीं, नहीं आया। अच्छा, पहुंच गए हैं दोस्तों हम लोग रूम पे, अभी खाना बनाएंगे, खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे, कुछ काम मैं कर लूँगा। 50% वॉक मैं सोने से पहले करता हूँ और वो फिर 50% उठने के बाद, तो वैसा ही आज का भी रूटीन होने वाला है। ये वीडियो एंड करता हूँ यहाँ पे, आप लोग बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, अपना ख्याल रखिए।